बेटमा के समीपस्थ धरावर धाम में हो रहे मानस सम्मेलन का सांसद शंकर लालवानी ने रविवार को अभिजीत मुहूर्त में मंदिर प्रांगण में कथा समिति सदस्यों के साथ आश्रम बटुकों के वैदिक मंत्रोपचार के साथ भूमि पूजन किया। साकेतवासी श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित महंत घनश्याम दास जी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि महोत्सव एवं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामचरित मानस सम्मेलन श्री राम कथा एवं मानस यात्रा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को लेकर धनावरा धाम में इंदौर बैठमा माचल धरावरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पीठाधीश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की परंपरा संस्कृति आध्यात्म में राम हर रूप में विद्यमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पूजनीय संत आदरणीय घनश्याम दास जी महाराज जी की पावन पुण्य स्मृति में हमारे धरावरा धाम पर रामचरित मानस सम्मेलन श्री राम कथा का आयोजन 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक होने जा रहा है और जिसमें कि देश भर के संतगण अपने प्रवचनों के माध्यम से हमारे इंदौर की जनता को आशीर्वाद देंगे और ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि पीठाधीश्वर महाराज जी ने इस आयोजन को रखा है और इस आयोजन के साथ साथ उनकी जो परिकल्पना है कि इस स्थान पर आने वाले समय में घाट का निर्माण हो, वेदों का पाठ हो, हम धार्मिक जितनी भी गतिविधियां वो यहाँ पर करें ताकि इस क्षेत्र में सबको धार्मिक पुण्य लाभ मिले। तो मैं इस अवसर पर शहर की जनता से निवेदन करूँगा कि जो राम कथा होने जा रही है 17 से 21 फरवरी तक, जो कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रहेगी प्रतिदिन, आप आइए, इसका लाभ उठाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।